फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिश के मौसम में नमी के कारण खाने की चीज़ें जल्दी ख़राब होने लगती है और बहुत जल्दी उसमें सील पड़ जाती है और कीड़े लग जाते हैं। ये बीमारी का कारण बन सकती है। हालांकि कुछ लेडीज़ इन पर ध्यान नहीं देती, दाल और चावल को तो धोकर इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन आटे का क्या? इसे तो धोकर साफ़ नहीं किया जा सकता। ऐसे में ज़रूरी है कि इस मौसम में चीज़ों को, अनाज को कीड़ों से बचाकर और ख़ुद को हेल्दी रखा जाए। इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिससे अनाज दाल को कीड़े से बचाया जा सकता है। और हाँ, आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए क्योंकि एंड में है आपके लिए एक उपयोगी टिप्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आटे में कीड़े ना लगे इसके लिए उसमें साबुत लाल मिर्च को आटे में डाल दें। ऐसे करने से आपका आटा कीड़ों से बच जाएगा। इसके अलावा खाने वाले नमक को कॉटन के कपड़े में बांधकर गेहूं के डब्बे में ऊपर नीचे कई लेयर बनाकर रख दें, इसे भी कीड़े नहीं लगेंगे। यही नहीं, तेजपत्ते से भी आटे में कीड़े को फैलने से बचाया जा सकता है। इसके लिए ताज़े तेजपत्ते लाएं और उसमें आटे के डिब्बे में इसको डालकर रख दें। जब इनकी खुशबू आना बंद हो जाए तब इनको आटे में से निकाल कर दूसरे नए तेजपत्ते उसमें रख दें। आटे के कीड़े ना लगें इसके लिए आप हल्दी का भी यूज़ कर सकती हैं। इसके लिए आप हल्दी का एक टुकड़ा लें या फिर करी पत्ता, इससे भी आप आटे के डिब्बे में रख कर आटे को कीड़े से बचा सकती हैं। सूजी को स्टोर करने से पहले कढ़ाई में थोड़ा भून लें। इसे भून लेने से कीड़े इसमें जल्दी नहीं लगते हैं। और आप जिस डब्बे में सूजी को रखें उसमें 8 से 10 लौंग भी रख दें, इससे भी सूजी को कीड़े से बचाया जा सकता है। दाल को बचाने के लिए आप लहसुन का यूज़ कर सकती हैं। छिले हुए लहसुन की कली को दाल वाले डब्बे में डाल दें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब और कुछ दिन पर वॉच करते रहें। अगर लहसुन सूख जाए तो उसे बाहर निकाल कर रख दें, नया लहसुन की कली उसमें डाल दें। इससे आपके दाल सेफ रहेंगे और कीड़े नहीं लगेंगे। और अगर आप उड़द की दाल या फिर चना या जीरा कम अमाउंट में ख़रीदती हैं तो उन्हें आप कंटेनर में रखकर फ्रिज में भी रख सकती हैं। इसे भी आप लंबे समय तक इसे फ्रिज में रखने से भी लंबे समय तक ये ख़राब नहीं होते हैं। अब बात मैदे और बेसन की कर लेते हैं। मैदे और बेसन में चूँकि जल्दी कीड़े लग जाते हैं, इन्हें कीड़े से बचाने के लिए आप बेसन या मैदे को डिब्बे में डालकर इसमें बड़ी इलायची डाल दें। इस वजह बड़ी इलायची डालने से इसमें कीड़े लगने से मैदे और बेसन को बचाया जा सकता है। अब चावल की बात कर लेते हैं। चावल को अगर लंबे समय तक कीड़ों और घुन से लगने से बचाना है तो आप इसमें पुदीने की सूखी पत्ती डाल दें। इसके अलावा आप नीम के पत्ते भी चावल में डाल सकती हैं। ऐसा करने से इसमें कीड़े नहीं होंगे। इसके अलावा आप करेले के जो छिलके होते हैं उसे सूखा कर चावल के डब्बे में रख सकती हैं, इससे भी कीड़े नहीं आते हैं। अब आज की टिप्स जान लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें सो डेट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की टिप्स है, आप जिस डब्बे में भी अनाज और दाल को जिस डब्बे में स्टोर करें उसे पहले अच्छी तरह साफ कर लें और ये भी देख लें कि इसमें किसी भी तरह का नमी बिल्कुल ना हो। नमी रहने से अनाज खराब होने का खतरा रहता है और इसमें कीड़े भी पनपते हैं, इसलिए सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें। बारिश के मौसम में शुरू होने से पहले ही अनाज और दालों में नीम की पत्ती डाल दें, इससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।